खंभों का जाल बना रखा, इतने तो पेड़ नहीं है जितने खंभे खड़े। गाड़ी लगा ले साइड में, ये कवर कराओ एक बार इसे ना। विष्णु ये चीज कवर कर गया, ये खुलवा, ये सामने दिख रहा है ना, पेड़ खड़े हैं, पेड़ खड़े हैं, यहीं से फोटो लेनी है, फोटो यहीं से विजिबिलिटी रहे ताकि आगे एक्सपोर्टर किस किस के साथ आपने दौरा किया और क्या कमियां देखी? हमारे जो यमुनानगर जिला है इसमें 54 ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां पर पिछले 3 साल में या तो 5 एक्सीडेंट हुए हों या 10 से ज्यादा की मौत हुई हो, ऐसे स्थलों को, ऐसे दुर्घटना स्थलों को ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। और यमुनानगर में 54 ब्लैक स्पॉट है, जिसको हमने दौरा करने के अनुसार हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहले दिन हमने 10 स्पॉट्स का विजिट किया था, कल हमने 11 स्पॉट्स का विजिट किया है कि जो हमारा माइनिंग स्पेशल माइनिंग जोन है जहाँ से रेत निकलता है, जटलाना है, गुमथला है, खजूरी है, उधर से रादौर है, हमारे कांजनू है, एक किशनपुरा दामला है, इस तरीके के हमने कुल मिलाकर कल 11 स्पॉट्स का विजिट किया है। तो किस तरह की बातें निकल कर रही हैं? जिसमें मेन बात है जो रोड ओनिंग एजेंसी है PWD है, उसकी भी एक बहुत बड़ी कमी है कि रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं, या फॉरेस्ट का भी काम हमें बहुत ही मतलब नाराजगी भरा था कि जहां कोने पर पेड़ खड़ा है जो एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि जब लिंक रोड से हम मेन रोड पर चढ़ते हैं वहीं पर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि बराबर में पेड़ खड़े हैं, झाड़ियां खड़ी हैं, तो विजिबिलिटी नहीं है कि दाएं साइड से मतलब कौन सा वाहन आ रहा है, तो पता नहीं लगता, तो ये एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। तीसरा जो बिजली डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट का, इनका तालमेल नहीं है, वो उनके पास फोन नहीं करता, वो उसके पास फोन नहीं करते, न तो बिजली की तारें हटती, नए खंभे हटते, नहीं जो पेड़ खड़े हैं वो काटे जाते हैं, तो इनका आपसी तालमेल की बहुत बड़ी कमी पाई गई है। और चौथा जो पब्लिक हेल्थ है उसकी भी ये कमी है कि कहीं पर सीवरेज के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं, सीवरेज का जो ऊपर की स्लेप है वो टूटी हुई है, उनमें तारें निकल गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते, वो रोड एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। मेरी टीम है वो हर महीने लगभग विजिट करती है, और तो इस बार जो हमने विजिट किया वो एक स्पेशल विजिट की है, जिसमें PWD से एक्शन भी है, STO भी है, JE भी है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है एक्शन, SDO, JE और फॉरेस्ट से भी आए हैं, और पब्लिक हेल्थ से भी थे, रोड से अपना ट्रैफिक SHO और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी साथ में ही थे, और साथ में सुशील आर्या जी जो राज्य की हमारी रोड सेफ्टी काउंसिल है उसके मेंबर हैं, तो इन सबको मिला करके तो हमने एक स्पेशल विजिट की थी। सर जैसे रोड पे कर्व है, कुछ है, साइन होता प्रॉपर है या नहीं? ज्यादातर वहाँ पर जो कर्व है या टी पॉइंट है वहाँ पर रोड साइन मतलब टूटे हुए हैं या झाड़ियों में छुपे हुए हैं, और या कई जगह जैसे बस स्टैंड है, हम देखते हैं औरंगाबाद में बहुत पहले एक बस स्टैंड का वो बनाया था कि जहाँ पर सवारियां आकर के खड़ी हो जाएं, इंतजार कक्ष कह सकते हैं, वो टूटा हुआ है, ने मान्य जो GM रोडवेज है उन्होंने कोई सुध ली है, नहीं PWD जिन्होंने बनाया था उन्होंने कुछ देखा है, वो काफी दिनों से ऐसे कैसे वो टूटा हुआ पड़ा है, अब आकर के इस पर बातचीत हुई है कि उसको हटाएंगे वहां पर, क्योंकि वो रोड एक्सीडेंट का कारण बनता जा रहा था। जैसे जो सरकारी महकमे जो नहीं मान रहे तो इनके खिलाफ कोई एक्शन भी करवाएंगे या नोटिस दिया? इनको नोटिस भी दिया जाएगा, इनको अभी कुछ समय दिया है कि अगली रोड सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग है 28 जून को, उससे पहले कुछ ये काम करें, यदि काम संतोषजनक नहीं मिलता है तो इनके खिलाफ माननीय
उपायुक्त महोदय के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। एक मिनट, एक मिनट।